आयुर्वेदिक पद्धति में विभिन्न ऐसे पौधों का वर्णन किया गया है जो कि कई तरह की बीमारियों को ठीक करता है। ऐसे में आज हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बॉटनी डिपार्टमेंट में आए हैं और जहां हम खड़े हैं ये एक शोध क्षेत्र है, यहां विभिन्न पेड़ों पर शोध किया जाता है। ऐसे ही एक बसाका नाम का पौधा है जो कि खांसी के लिए काफ़ी लाभदायक माना जाता है। इस पौधे के कई गुण हैं जिसके माध्यम से लोग ठीक होते हैं। ऐसे हमारे साथ आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बॉटनी डिपार्टमेंट के HOD प्रोफेसर विजय मलिक है। हम यही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इस पौधे के पत्ते और अन्य भाग का उपयोग किया जाए जिससे कि बीमारियां ठीक हो। पौधे के बारे में आज आप जानकारी दे रहे हैं, इसका क्या उल्लेख है, किस काम आता है? जिस पौधे के साथ हम खड़े हैं इसको हम बसाका कहते हैं और बॉटनी की भाषा में इसको हम जस्टिशिया एडेटोरा कहते हैं। और इस पौधे का पत्ती और इसका फ्लावर जो आजकल इस पर नहीं है और इसका स्टेम और रूट सभी पार्ट इसके मेडिसिनली इम्पोर्टेंट हैं। किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसकी पत्ती को? हम कई प्रकार से यूज कर सकते हैं। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि किस बीमारी में यूज होती है। इसकी पत्ती को हम खांसी में यानी कि कफ में, दमे में और फीवर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब हम कफ और फीवर में इसको हम यूज़ करते हैं तो इसकी पत्ती को हम पानी में उबाल लेते हैं और उबालने के बाद में इसका जो है हम जैसे हम भाप लेते हैं, हम भाप लेके इसको हमको राहत मिलती है क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल होता है वैक्सीन जो हमारे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करता है और कफ निकालने में वो मदद करता है। यानी कि वो एक प्रकार का एक्सपेक्टोरेंट होता है, कफ को निकालता है। कफ और फीवर में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है और दमे में। तो और इसकी जो अन्य पार्ट है उसको किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं? इसके रूट को भी और स्टेम को भी हम इसी प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब कफ और फीवर में ही कफ के लिए ये जाना जाता है मेनली ये प्लांट। इसके अलावा इसकी पत्ती को हम इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है, सदियों से इसका हम जो है यूज़ करते आ रहे हैं। हमारे आयुर्वेद में भी ये मेंशन है। तो इसका सर काढ़ा बना के भी पी सकते हैं और नुकसान दे सकता है? नहीं, इसका हम काढ़ा बना के पी सकते हैं, इसका पत्ती का हम काढ़ा बना के पी सकते हैं। फीवर में इसको हम ले सकते हैं काढ़ा बना के। लेकिन अगर किसी प्रकार की एलर्जी है तो जैसे अगर सिर में दर्द होता है इसको लेने से या किसी प्रकार का न्यूज़िया होता है तो हमको इसको नहीं लेना चाहिए। कह सकते हैं कि ये काफ़ी काम का पौधा है और हमारी प्रकृति में ऐसे विभिन्न पौधों का उल्लेख किया गया है जो कि कहीं ना कहीं मनुष्य को स्वस्थ रखने में एक रामबाण के तौर पर उपयोग किया जाता है। लोकल एडिट मेड से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।